हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं चंद्रताजे की लॉन्ग की ओर। सुबह हम जल्दी निकले थे तो नाश्ता भी नहीं कर पाए थे, इसीलिए अभी हम आ गए हैं चंद्रा ढाबा पे। वैसे तो इस जगह का नाम चंद्रा ढाबा है, लेकिन सभी लोग प्यार से इस जगह को चाचा चाची का ढाबा बोलते हैं। चाचा चाची जितने सिंपल हैं उतने ही लोगों के लिए हेल्पफुल भी हैं, और इसी वजह से गवर्नमेंट और कई ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें सम्मानित भी किया है। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं बारताल में आइकॉनिक चाचा चाची के ढाबे पर। चाचा चाची इस जगह के सेलिब्रिटी हैं, तो उनके साथ एक फोटो सेशन तो बनता ही है। लो। अब हम बूढ़े बूढ़े हो गए ना, ये लोग जवान हो गया। नहीं अभी आप नहीं, आप अभी एकदम वैसे ही दिखते हैं। ये तो केवल वो है ना, आंकड़े है ना। अच्छा, बाय बाय बाय, जुले जुले। सामने आप जो रिवर देख रहे हैं ये चंद्रा रिवर है, और जैसा कि मैंने आपको अपनी चंद्रताल वाली वीडियो में बताया था, ये रिवर चंद्रताल से ओरिजिनेट होती है। आपने हमारी स्पीति सीरीज में ढेर सारे टूरिस्ट स्पॉट्स देखे होंगे, लेकिन लाहौल और स्पीति विजिट करने वाले लोग केवल टूरिस्ट स्पॉट देखने नहीं जाते, वो इस जगह के रास्तों को भी खूब एंजॉय करते हैं। तो आज का वीडियो आपको इन रास्तों की ब्यूटी दिखाएगा, जैसे रिवर, स्ट्रीम्स और इस तरह के ग्लेशियर्स। अभी हम आ गए हैं छत्रू में, और अगर आप चाहें तो इस जगह पे रात को कैंपिंग भी कर सकते हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर्स और वाटरफॉल्स इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। तो अभी हम कीलोंग पहुंचने ही वाले हैं, और जैसा कि आप देख सकते होंगे पहले से रोड की कंडीशन भी बेहतर हो गई है, और साथ ही साथ पहाड़ भी पहले से ज्यादा हरे भरे हो गए हैं।
तो जब हम कीलोंग पहुंचे तो हमारे होटल की विंडो से हमें बादलों का इस तरह का नजारा देखने को मिला। बताइए आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।